नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं UNN इंडिया। आपको पता है कल सुबह 8 बजे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़े भाई बिरहा सम्राट विजय लाल यादव की गाड़ी का दुर्घटना हो गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भयंकर दुर्घटना हुई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, गाड़ी में सवार तीनों लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। विजय लाल यादव जी के सर पे, चेहरे पे चोट आई है। ड्राइवर जो पिंटू श्रीवास्तव हैं, उनके कमर में चोट आई है, जबकि ब्रजेश सिंह यादव को मामूली चोट आई है। तो आज दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने बड़े भाई से मिलने मेदांता हॉस्पिटल पहुँचे। काफ़ी देर तक रहे दोनों भाइयों में, काफ़ी देर बात हुई। कल प्रवेश लाल यादव और प्यारे लाल कवि जी पहुँचे थे मिलने उनसे। जी हाँ, अब तीनों की हालत अच्छी है। ब्रजेश सिंह यादव जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि विजय लाल यादव जी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है अपने चोट का, ताकि घाव पता न चले, इसलिए उनको आज और कल 2 दिन कम से कम रखा जाएगा हॉस्पिटल में। और जो ड्राइवर हैं पिंटू श्रीवास्तव, उनके कमर में चोट आई थी, चोट कितनी ज़्यादा है उसके लिए MRI करवा कर रिपोर्ट आने के बाद उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल सुबह 4 बजे विजय लाल यादव बनारस से लखनऊ के लिए निकले थे, और लखनऊ पहुंचने के कुछ देर पहले ही उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गाड़ी स्पीड में थी, रोड डिवाइडर पे चढ़ते हुए 2-3 पलटी खाने के बाद गाड़ी स्थिर हो गई। गाड़ी का वीडियो या फोटो जिन्होंने देखा होगा वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना भयानक था, लेकिन भगवान की कृपा से सब लोग सुरक्षित हैं। एक मामूली, उनको मामूली ही बोल सकते हैं, इतने बड़े और भयंकर दुर्घटना होने के बाद अगर सुरक्षित हैं तो ये भगवान की कृपा है, उनके अच्छे कर्मों की कृपा है। बहरहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ ने डॉक्टरों से बात की, वहाँ मौजूद सारे स्टाफ से बात की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की।